के स्टार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर जो हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, जो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान के जिस बच्चे पर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा चलाए जाने की बात कह दी गई है, उस पर भारत में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जब एबी स्टार न्यूज ने ये खबर चलाई और हमने हिंदू राष्ट्र शक्त संगठन के प्रमुख से जब बातचीत की और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि हम इस खबर को पाकिस्तान के एम्बेसी के साथ और पाकिस्तान के विरोध में हम पूरी मुहिम भारत से चलाएंगे, एक हिंदू बच्चे का उस खबर के चलाए जाने के बाद जो एक उसकी प्रतिक्रिया हुई है और जो कुछ भी खबर की गति आगे बढ़ी है उस पर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे और इसी संदर्भ में हम आपसे सारी बातचीत शेयर करेंगे जो वस्तुस्थिति इस समय। तो खबर यह है कि हमारी खबर का एक बड़ा असर हुआ है और वो ये हुआ है कि हिंदू राष्ट्र शक्ति ने पूरी तरीके से इस खबर को संज्ञान में लेने के बाद इसको पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ पूरे मामले को उठा लिया है। एबी स्टार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है और ये खबर यह है कि पाकिस्तान में जिस 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा चलाया जाना था उसके बचाने के लिए पूरे हिंदू संगठन साथ आएंगे, ये हिंदू राष्ट्र शक्ति ने हमें भरोसा दिलाया है। 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा का मामला चलाया जा रहा है और उसके खिलाफ अब भारत में मुहिम शुरू कर दी गई है। हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन ने सीधे सीधे पाकिस्तान एम्बेसी के साथ बातचीत की है और पाकिस्तान एम्बेसी को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है उस बच्चे के खिलाफ जिस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा वो पूरी तरह निराधार है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई किए जाने की बात की गई है बच्चा चूंकि अबोध है इसलिए उसके खिलाफ सारे मामले वापस लिए जाए। 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा का एक आरोप लगाया गया है। हम आपको फिर खबर बता दें, 8 साल का बच्चा है, ईश निंदा कानून के तहत उसको मुकदमा चलाया जाएगा और अगर मुकदमा चलाया गया और वो सारी बातें सिद्ध हो गई जो आरोप उस पर लगाया जा रहा है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इस पर जब एबी स्टार न्यूज ने खबर चलाई उस खबर का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन ने बाकायदा इस मुद्दे को पाकिस्तान एम्बेसी के साथ शेयर किया है, उनको एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बच्चे के साथ, एक अबोध बच्चे के साथ कानून के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस संदर्भ में कैप्टन रिजवी जो हमारे साथ कल जुड़े थे एबी स्टार न्यूज से और उन्होंने भरोसा दिलाया था, एबी स्टार न्यूज में आज वो फिर जुड़ रहे हैं और हमें एक बार फिर भरोसा दिला रहे हैं कि जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी और अगर उनकी मुहिम जारी रहेगी तो एबी स्टार ये भरोसा दिलाता है कि जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिल जाएगा हम उनकी मुहिम में उनका साथ देंगे। कैप्टन रिजवी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। तो मेरे ख्याल से शायद मेरा नाम नीचे गलत लिख दिया गया, उसको ठीक करा दीजिए। कर्नल शैले लिखा हुआ अच्छा ठीक करा दीजिए। मैं उसको जिक्र करता हूँ, मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि प्लीज एसएल में नाम कैप्टन इसकी गलत जा रहा है उसको ठीक करा दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है जी। वो कैप्टन रिजवी साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एबी स्टार न्यूज की खबर को संज्ञान में लिया सर और आपने अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी एम्बेसी के जो यहाँ अधिकारी हैं उनके जो अफसर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया है, ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सर क्या क्या बातें हुई और ज्ञापन सौंपने के समय क्या माहौल आपको समझ में आया, क्या उनकी प्रतिक्रिया दी? देखिए ज्ञापन जो है वो हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुर्तजा सिंह ने दिया है। मेरी उनसे वार्ता हुई कि हमने कहा भाई आप उसको तुरंत जो है इस पर कार्रवाई करें, उसको भेजें दूतावास को भेजें और जो हमारे विदेश मंत्रालय है उसको भी कॉपी भेजें और उस पर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका संज्ञान में ले और भारत सरकार ले और उससे अपील करे, भारत सरकार भी करे, हमारा जो विदेश मंत्रालय वो भी करे कि भाई इस तरह से एक छोटे बच्चे पर हैवानियत न बरसाएं, जो हैवानियत
बरसाते चले आ रहे हैं। 8 साल का बच्चा जो है मासूम बच्चा होता है, वो इष्टदेव सुपर कास्ट को ऐसे भी नहीं बनता है। अगर वो उनके आपके धर्म स्थल पर चला गया था तो ऐसा कोई बुरा नहीं हो गया, कोई क्राइम नहीं हो गया। इसलिए फिर आज वैसे मैंने भी कॉल किया था, तो एम्बेसी तो उनका कोई फोन तो उठाती उठाती है नहीं, लेकिन किसी ने फोन उठा लिया तो मैंने कहा बात करा तो अपने काउंसलेट से काउंसलर से किसी से, तो मैं यहाँ से ऐसे बोल रहा हूँ और कहते साहब ऐसा बात नहीं करा पाए कि खैर वो बात तो टल गई, लेकिन कोई साथ दूसरे थे वो बात कर रहे थे, तो उनसे कहा कि भाई हम जो है इसको कंडक्ट करते हैं, आपको कंडक्ट करते जो आपके यहाँ हो रहा है, एक 8 साल के बच्चे को इष्टदेव का अनुभव लगा करके आप इसको बदवा करने जा रहे हैं, और रोक दी जा रही है, इसको रोकिए। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे कल या भारत में इसी तरह का कुछ होगा, अगर यहाँ का अगर हिंदू रुक गया, अगर उसने कुछ किया तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर देंगे और सारे दूसरे मुल्कों में जा जाकर बदलाव होंगे। लेकिन पहले आप इसको कंट्रोल करिए और इस चीज़ को आप जान लीजिए कि ये एक मासूम बच्चे को जबरदस्ती, क्योंकि हिंदू का बच्चा है, आप लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसको जो है हर हालत में खत्म करिए, छोड़िए, उसको जाने दीजिए और इज्जत से जाने दीजिए। आप लोग जुल्म कर रहे हैं और जुल्म की इंतहा ना करिए, इसका रिटेलिएशन भारत में होना शुरू हो जाएगा। कैप्टन साहब, मैं आपको एक बात का जिक्र और करूंगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये बच्चा माइनर है, कानूनन एक माइनर के खिलाफ अगर अंतर्राष्ट्रीय नियम भी देखे जाए तो इस तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो उसको मौत की सजा दी जाए। हाँ, नहीं चलाया, विडंबना ये है, विडंबना ये है, मैं पूरी बात स्पष्ट कर दूं, विडंबना है कि उस बच्चे को ये पता ही नहीं कि उसको क्यों कस्टडी में लिया गया, उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं, उसको कुछ भी नहीं पता है और उसके खिलाफ वो सारी बातें, वो सारे आरोप बिल्कुल उससे उसके साथ चस्पा कर दिए गए हैं और उसका खामियाजा उसका परिवार भुगत रहा है। उस बच्चे को एक अजीब सी कस्टडी में लेकर के रखा गया है, जिस कस्टडी के बारे में मैं बता भी नहीं बता सकता क्योंकि उसे छिपाया गया है, कस्टडी में रखा गया है या वो भागने को मजबूर है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए, जो वहां की सरकार है कोई डेमोक्रेटिक अंदाज में नहीं चल रही, और मैं एक चीज को बता दूं आप लोगों को कि जो वहाँ पे इस्लामिक पाकिस्तान लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान लिखते हैं, वो इस्लामिक अपने मतलब भर का रखते हैं, बाकी आईपीसी उनके भी है, उनका पैनल कोड भी वही ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, वो 1860 वाला जो हमारे क्या जिसके लिए अभी हो रहा था दिल्ली के अंदर, उनके भी है, और उसके अंदर कहीं ये उस कानून के तहत अगर आएंगे तो उस बच्चे पे कोई जुर्म नहीं बनता है। अगर आप उस पर शरिया लगाओगे तो जुर्म किसी भी बना दो, तो बोध के क्या पैदा होने वाले बच्चे पे भी लगा देते हैं, उसकी माँ पे लगा देंगे, भाई आप शरिया में कुछ भी तोड़ मरोड़ दीजिए, ये तो कोई बात नहीं है। और 8 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उससे खुद होश नहीं कि हम क्या बात करें, उसे ये भी नहीं पता होगा इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया मेरे पीछे कि मैं गलती से खेलता हुआ चला गया, वहां जाके खड़ा हो गया था, कितनी जुल्म की बात है, कितनी सोचिए आप, कितनी भयावह है कि जब बच्चे को या उसके परिवार वालों को ये मालूम होगा कि ये इश्तेहार लगा दिया, उसके परिवार को मत बेचारे परेशान हो गए और इसको मौत की सजा दी जाएगी, आप सोचिए, इससे बड़ी ध्यान नहीं हो सकती है। लेकिन मैं इसकी संवेदनशीलता को समझता हूँ और एक न्यूज हेड होने के नाते मैं इन बातों को संज्ञान में लेकर के इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए मुद्दा बनाना चाहता हूँ क्योंकि आज भारत में हिंदू रक्षा के नाम पर ढेर सारी बातें की जाती है और जब भारत की सीमा से बाहर एक हिंदू और वो भी बच्चा, वो भी माइनर, अपने परिवार के साथ भागने, छिपने या कस्टडी में जो क्लियर नहीं है, जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, और मजबूर है कि उसका और उसके परिवार की जिंदगी या उससे जुड़े लोग भविष्य में इस संसार में रहेंगे या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। और विडंबना देखिए कि उस बच्चे को पता ही नहीं उसका अपराध क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं जिस चीज को मैंने दोबारा चीज को मैं दोहरा रहा हूँ, फिर मैं कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की हुक्मरान भारत में जो होता है और जो वो कर रहे हैं, जुर्म ढा रहे हैं, वो चिढ़ा रहे हैं एक हिंदू बच्चे के ऊपर करें या परिवार के ऊपर करें, उसका क्या यहाँ पर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, मुसलमानों का ये अंदाजा नहीं। मैं किसी को धमकी नहीं देता हूँ, मैं आगाह करता हूँ, मैंने ये बात कही है, मैं दोबारा इस चीज को कह सकता हूँ, भाई इतनी आबादी है भारत के अंदर, हिंदुओं की आबादी है और मुसलमान उसके मुकाबले में कहीं पे स्टैंड नहीं करता है, कहीं खड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद कि कितनी भी संगठन है, मैं तो मुस्लिम संगठनों से कहना चाहूंगा, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जो इनके बनाए हुए जितने भी संगठन है, चाहे देवबंद वाले हो, कोई भी हो, इनको कहना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से, उनको ये कहना चाहिए कि हम लोग भारत में रहते हैं डेमोक्रेटिक वे में,
ये ईशिंदा का कानून भारत में नहीं है, आप लोग भी कम से कम इस बच्चे को छोड़िए। अरे वो मासूम बच्चा है, आप यूं ही उसको छोड़ दीजिए, आप उसको बेगुनाह है वो क्या बच्चा। कहना चाहिए कैप्टन रिजवी, किसको क्या कहना चाहिए ये बात और है, लेकिन आप चूंकि हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आपका संगठन हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र शक्ति जिसको आपने नाम दिया है सर, हमारी तो यही एक कोशिश है और हमारी यही सबसे बड़ी परेशानी है कि अभी इस खबर को सिर्फ खबर के रूप में लिया जा रहा है। अगर कानून के हिसाब से देखें, अगर नैतिकता के हिसाब से देखें, अगर मानवीयता के हिसाब से देखें, तो तीनों हिसाबों से एक बच्चे की जान की बात नहीं है, एक बच्चे के साथ एक परिवार और एक समूह की बात है, उसके चिंता किए जाने की बात है, जो आप संयोग कहें या दुर्योग कहें हिंदू है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दिवाकर जी, बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही दुखदाई है, किस तरह वहां पे भयानक स्थिति में वहां के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। आप ये सोच लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि किस तरह से वहां का हिंदू रहता होगा, और ये इंसानियत के खिलाफ है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही, वहां के हुक्मरान जो कर रहे हैं, जाहिर है कि मुसलमान तो हम कहेंगे कि तुम अपने क्या मराठीज के साथ क्या करो, खासकर हिंदुओं के साथ ग्रुप तो बहुत ही बुरा करके रखा हुआ है, और जिस ढंग से बेचारे वहां से भाग भाग के आए हैं, क्या क्या होता है मैं आपको क्या बताऊं, आपके चैनल पे हर बात को नहीं कर पाऊंगा इस समय उस बच्चे की जान बचाने का है जिसके लिए मुहिम छेड़ दी है हिंदू राष्ट्र शक्ति ने, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने ये भी बात कर रहे हैं कल, ये लोग भी अभी पूरा इस्लाम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, और हमें लगता है कि ईश्वर हमारा साथ देगा। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे हमें जंतर मंतर पे भी एक कार्यक्रम करना चाहिए? नहीं सर, जंतर मंतर पे हमें कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये मीडिया की आवाज ही बहुत पावरफुल है, ये करोड़ों लाखों में जाती है, जंतर मंतर में करने से कुछ नहीं होता है, सरकार को नुकसान पहुंचता है सर। ऐसा है कि हम लोग खड़े होते हैं, वो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं जो कुछ दिशा निर्देशित हो कि सरकार के कानून के खिलाफ न जाए, आज की डेट में हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। क्या आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन उनको साफ जगाने की जरूरत नहीं है जो हमारी सरकार को आरएसएस की सरकार बताता है, जो कहता है कि वो एंटी मुस्लिम सरकार भारत में बैठी हुई है, क्या उसको बताना ये जरूरी नहीं है कि इस देश की 130 करोड़ की आबादी चीख चीख करके यह कह रही है वो उस हिंदू बच्चे को न्याय दे। नहीं देखिए सर, मैं बता दूं आपसे दिवाकर जी, ये बात बहुत सेंसिटिव है और इसके ऊपर भारत सरकार ने संज्ञान में जरूर लिया होगा, विदेश मंत्रालय ने जरूर लिया होगा, ये सरकार जरूर लेती है और जरूर वार्ता शुरू की होगी, हो सकता है कि हम लोगों को अभी तक पता ना चला हो, लेकिन इतने हल्के में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे मैसेज बहुत भयानक होगा अगर उस बच्चे के साथ कुछ हो गया। मैं चाहता नहीं हूँ कि इस तरह का हो, कुछ करेंगे नहीं लग रहा है, उनको देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको शक्ल अपनी दिखानी पड़ेगी, उसको भुगतना पड़ेगा, अगर उन्होंने गलती से कर दिया तो इनके लिए बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा, और उसका कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारा संगठन करेगा, हमारा संगठन जो है हिंसा के ऊपर बिल्कुल नहीं चलता है, और हमारे संगठन के जो बिल्कुल क्लियर कट बात है सुन ले कोई भी जान ले, और बहुत ही शांति से हम उसको काम करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं करता कि हम चाहते हैं कि सड़क पर जाकर आंदोलन करें, झगड़े करें, ये हम लोग हमारे संगठन का ये कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन जहां पर रक्षा करनी होगी तो हम रक्षा भी करेंगे, तो जहां पर हमारा इंटरेस्ट होगा कंट्री का उसके लिए भी खड़े होंगे, धर्म की बात होगी उसके लिए भी खड़े होंगे, और सबसे बड़ा धर्म ये है हमारा दिवाकर जी, ये धर्म हमारा है कि उस बच्चे को बचाएं, हम उस बच्चे को बचाएं, क्योंकि बचाना हमारा इंसानियत का तकाजा है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, है साहब, बिल्कुल, आपने एबी स्टार पर खबर चलने के बाद हमें ये भरोसा दिलाया था कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, और आपने पाकिस्तानी एम्बेसी को बाकायदा ज्ञापन सौंप दिया है, आगे आप और क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सरकार के ऊपर जूरेंगे, वो परेशान हो, वो दबाव में आए, मैं आपको बता दूं सब एक ही आप अभी जान लेंगे दिवाकर जी, बहुत सारी चीजें जो है वो जो हम लोगों ने शुरू करी, हम तो पीओके पे भी बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पे भी बात करते हैं, और हिंगलाज मंदिर के लिए बात करते हैं, शारदा पीठ की भी बात करते हैं, ये सब हमारे एजेंडे के ऊपर है, हम चाहते हैं शारदा पीठ जो है वो हिंगलाज मंदिर तो वहाँ पे जो है वो ठीक ठाक है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो शारदा पीठ है उसका जीर्णोद्धार करना बहुत जरूरी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है, इसके लिए उनसे भी हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, करिए नहीं तो हम यहाँ से भेज रहे पंडित कुमार जी, उस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाइए आप, इंसानियत के नाते करवाइए वहाँ पे, ये, जो है ये तो आपका एजेंडा हो गया सर, हमें तो उस बच्चे की जान है जो हिंदू है, हम तो खुल के कह रहे हैं, और मुझे पीड़ा इसमें हो रही है कि संयोग से मैं भी हिंदू हूँ, मैं एक बच्चे को इस तरह किसी सरकार के जिसके कान में जू नहीं रेंग रही है
मैं उसके हवाले नहीं छोड़ सकता, और वो भी हमारा पड़ोसी है, हमारा दुश्मन है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका बच्चे के लिए देखिए हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए बहुत अभी हम इस पे के चैनल पे एकदम से कह रहे इशारे जो हमने रणनीति बनाई है, और हमने क्या बनाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं वो लोग बड़े सक्षम हैं, काफी बड़ी टीम हमारे पास है, हर स्टेट में मौजूद है, हर तरफ से लोगों के फोन भी आए, बातचीत करी है, और लोगों ने आपके चैनल को देखा भी था कल सबने बैठक के लाइव देखा है, और आज ये दोबारा है तो सब कुछ देख रहे होंगे, और हमसे पूछे बोलते राय भी लेने की उनको जरूरत नहीं, उनको छूट दी गई है कि आप ऐसी चीजों पर हमसे राय लेने की जरूरत नहीं, अपने आप करो, वो पूरे इंडिपेंडेंट हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे इंडिपेंडेंट है, मैं एक संस्थापक के तौर पर कार्य करता हूँ लेकिन बाकी काम वही लोग करते हैं सर, पूरी ताकत है। एक बार सर हमें वो भरोसा फिर दिलाइए, जिस भरोसे के बूते मुझे ये एहसास हो कि हाँ उस हिंदू बच्चे, उसके परिवार, उसके समाज के साथ भारत का हिंदू, भारत की जनता खड़ी हुई। बिल्कुल खड़ा होगा, भारत की पूरी जनता खड़ी होगी, 135 नहीं खड़ी तो 105 करोड़ तो खड़ी होगी उसके लिए, हम बाकी की गारंटी नहीं देते, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जवाहर जी, लेकिन हम खड़े होंगे, हमारा संगठन खड़ा होगा, यहाँ का हिंदू खड़ा होगा, इस बच्चों को बचाना हर हालत में, इसके लिए यूनाइटेड नेशन को भी हम कल चिट्ठी लिखवा रहे हैं। कैप्टन रिजवी बहुत बहुत धन्यवाद, यूनाइटेड नेशंस को कैप्टन रिजवी ये भरोसा दिला रहे हैं एब स्टार को कि वो चिट्ठी लिखेंगे, और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय से भी ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इमरान सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है, एक राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है, ताकि वहां चर्चा हो कि वहां की तथाकथित न्याय प्रणाली के तहत जिस 8 साल के बच्चे के साथ ये बदसलूकी हो रही है, उस तरह का मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसे मौत की सजा दी जाएगी। हम उसे मौत की सजा नहीं देने देंगे, हम उस बच्चे की जान बचाएंगे, और ये मुहिम तब तक जारी रखेंगे हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के साथ जब तक कि उस बच्चे को वास्तविक न्याय नहीं मिलता है। एबी स्टार न्यूज़ देखते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और हम आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि प्लीज प्लीज इस मुहिम में आप हमारे साथ शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।